सेक्शन 80G का दोस्तों डोनेशन करना, लेकिन संभल कर। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8,000 लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा और फर्दर नोटिसेस भेजने की तैयारी कर रहा है। यह नोटिस ऐसे लोगों को भेजे गए जिनकी इनकम और डोनेशन अमाउंट मैच नहीं करती थी। इन लोगों ने दो गलतियां की हुई थी जिसकी वजह से इनके पास इनकम टैक्स का नोटिस है। और अगर आप मेरी यह वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेंगे और मेरे बताए तरीके को फाइनेंशियल ईयर 22-23 और आगे आने वाले इयर्स में फॉलो करोगे तो श्योरली आपके पास डोनेशन की वजह से इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आएगा। उन लोगों की पहली गलती क्या थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे डोनेशन अमाउंट कर दिया। मैं नहीं जानता कि वह डोनेशन बोगस था या कैसा था, लेकिन जो भी था इनकम के अकॉर्डिंग लिमिट से मैच नहीं था। दूसरी गलती उनकी क्या थी कि उन लोगों को शायद यह पता नहीं था कि इनकम के अकॉर्डिंग डोनेशन कितना अलाउड है, या दूसरे वर्ड्स में मैं कहूं तो उन टैक्स पेयर की इनकम के अकॉर्डिंग मैक्स डोनेशन लिमिट क्या थी, यह उनको आइडिया नहीं था। और आज के वीडियो में मैं आपको वह लिमिट कैलकुलेशन करना बताऊंगा, और अगर आप यह लिमिट कैलकुलेशन करना सीख गए तो आप इनकम टैक्स नोटिस से भी बच जाओगे। लेकिन उससे पहले इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के कुछ बेसिक समझ लेते हैं। सेक्शन 80G में चार तरीके का डोनेशन होता है। जैसे नंबर वन आता है 100% डिडक्शन अलाउड विदाउट एनी लिमिट। ध्यान रखना मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ विदाउट एनी लिमिट। दूसरा डोनेशन आता है 50% डिडक्शन अलाउड विदाउट एनी लिमिट। थर्ड डोनेशन आता है 100% डिडक्शन अलाउड विद लिमिट। चौथा डिडक्शन आता है 50% डिडक्शन अलाउड विद लिमिट। यानी 100% और 50% विदाउट एनी लिमिट में आप कितना भी डोनेशन करो वह अलाउड होगा, और इस डोनेशन की लिमिट का इनकम से कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जब आप 100% और 50% डोनेशन विद लिमिट वाली करते हो, यानी विद लिमिट वाली डोनेशन करते हो, तो डोनेशन लिमिट अप्लाई होती है, और डोनेशन लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम यानी AGTI। यानी आप कितना भी डोनेशन कीजिए लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आपको 10% ऑफ AGTI ही मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 99.9% लोग 50% डिडक्शन विद लिमिट वाला डोनेशन करते हैं, और यही कैलकुलेशन में गलती होती है क्योंकि एक आम टैक्स पेयर को लिमिट की जानकारी नहीं होती। तो आज के वीडियो में मैं आपको एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और डोनेशन लिमिट को समझाऊंगा, और वीडियो के लास्ट में कुछ बोनस टिप्स दूंगा। और अगर आपने वह टिप्स नहीं सुने तो आपको इनकम टैक्स नोटिस से कोई नहीं बचा सकता, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब स्क्रीन पर चलते हैं और एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को समझते हैं और लिमिट को भी समझते हैं। दोस्तों यह है सेक्शन 80G में डोनेशन कैलकुलेट करने का एक कैलकुलेटर। इसी कैलकुलेटर से हम डोनेशन की लिमिट को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, और मैक्सिमम डोनेशन कितना अलाउड है यह भी हमें पता चलेगा। इसमें जितने भी येलो सेल्स हैं यहाँ पर हम फिगर अपनी पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी कोई फिगर पुट नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होती है कि जब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यानी हमारी सभी सोर्सेज से मिला के टोटल इनकम जितनी भी आती है इसमें से ये चार चीज़ें हम माइनस करते हैं तो हमें एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम पता चलती है, जिसको हम शॉर्ट में AGTI भी बोलते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 9 लाख रुपए है और सेक्शन 80C से 80U की जितने भी डिडक्शंस है उसमें से 80G की डिडक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी अमाउंट आती है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। मान लेते हैं 1,50,000 रुपए है, तो ये इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म होता है, मान लेते हैं ये 15,000 रुपए। फोर्थ पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, मान लेते हैं कि ये 1,50,000 रुपए है, इसको जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। तो लास्ट पॉइंट आता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहीं से भी हो सकता है, बेशक वो शेयर से हो, प्रॉपर्टी से हो, ज्वेलरी से हो, कहीं से भी हो। मान लेते हैं कि ये 50,000 रुपये है, तो अब यहाँ पर हमारी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 5,35,000, और इस 5,35 का 10% डोनेशन हमें अलाउड है। डोनेशन कितना अलाउड है, मैक्सिमम डोनेशन अलाउड इज 10% ऑफ AGTI यानी 5,35,000 का 10%। जैसे मैंने आपको बताया कि डोनेशन विद लिमिट होता है 100% और 50%, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने 100% वाला डोनेशन किया हुआ है और यह डोनेशन मैंने किया 50,000 रुपये का, तो यह ऑटोमेटिकली 50,000 रुपये हो गया। और 50% वाला डोनेशन मान लेते हैं कि मैंने किया 10,000 रुपये का, लेकिन अब इस केस के अंदर टोटल डोनेशन यहाँ 60,000 रुपीज़ हो गया है, लेकिन मैक्सिमम डोनेशन हमें 53,500 अलाउड होगा। तो अब हम यहाँ पर मैक्सिमम 3,500 रुपीज़ लिखेंगे, तो इतनी अमाउंट की डिडक्शन अब हमें सेक्शन 80G के अंदर मिल जाएगी।
लेकिन कुछ लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर इस वाली यानी 10% AGTI को माइंड में नहीं रखते या कैलकुलेशन पार्ट के अंदर कंसीडर नहीं करते और जितना भी डोनेशन किया है सभी की डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 50% वाले में 50,000 रुपये का डोनेशन किया था तो टोटल डोनेशन 75,000 की क्लेम कर लेते हैं, जो कि गलत है, अगेंस्ट द लॉ है और इसी वजह से नोटिसेज आते हैं। तो दोस्तों यह थी वह सारी कैलकुलेशन जिसमें आपने डोनेशन की लिमिट को और एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को समझा। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस आए उनके डोनेशन और इनकम मैच कैसे नहीं थे, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक टैक्स पेयर की एक साल के अंदर ग्रॉस टोटल इनकम 8,00,000 रुपए थी, तो उन लोगों ने क्या किया कि 1,50,000 रुपए सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दिया और डिडक्शन ले ली। अब बाकी टैक्सेबल इनकम बची 6,50,000 रुपए। इस पर उनको पुरानी टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग लगभग 45,000 रुपए 45,000 रुपीज टैक्स लगना था। तो उन्होंने तरीका निकाला कि क्यों ना मैं 3,00,000 रुपए का डोनेशन शो कर दूं, जिसकी वजह से मुझे सेक्शन 80G में 50% की डिडक्शन यानी 1,50,000 की डिडक्शन और मिल जाएगी। तो उसके बाद यह टैक्सेबल इनकम 5,00,000 रुपए बचेगी, जिसके ऊपर टैक्स बनेगा 12,500 और वो इस 12,500 की भी मैं सेक्शन 87A के अंदर रिबेट ले लूंगा तो मेरा टैक्स जीरो हो जाएगा। अब मिसमैच ये था कि जिसकी इनकम 8,00,000 रुपए थी उसने 3,00,000 रुपए डोनेट कर दिया, 1,50,000 रुपए सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दिया, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कहां से किए? क्या 5 महीने की अर्निंग डोनेट कर दी? तो अपनी फैमिली के लिए क्या सेव किया? इसी वजह से उन लोगों के पास नोटिस आए थे। अब मैं कुछ खास टिप्स की बात करता हूँ। सेक्शन 80G के डोनेशन आप पेड बेसिस पे क्लेम कर सकते हो, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 31 मार्च 2023 तक आपके बैंक अकाउंट से डोनेशन की अमाउंट डेबिट हो जानी चाहिए या निकल जानी चाहिए। अगर आपने डोनेशन का चेक 31 मार्च को दिया है और वह डोनेशन क्लियर हुआ 2 अप्रैल 2023 को, तब आप इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर उस डोनेशन की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड टिप्स, अगर आप 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में डोनेशन करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। नंबर 3, डोनेशन देने के बाद डोनेशन के रिसिप्ट जरूर लें, क्योंकि इनकम टैक्स में कभी भी काम आ सकती है। नंबर 4, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोगों की सैलरी में से उनके एम्प्लॉयर या ऑफिसर जैसे कि DDO डोनेशन की डिडक्शन ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। ऐसे केस में फॉर्म 16 में डोनेशन का मेंशन होना ही सफिशिएंट है, अलग से डोनेशन की रिसिप्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, डोनेशन की डिडक्शन सभी क्लेम कर सकते हैं, फिर चाहे वह इंडिविजुअल हो, कंपनी हो या HUF हो या कोई और SSE। नेक्स्ट, अगर आप डोनेशन इन काइंड देते हो, जैसे कि गारमेंट्स दे दिए, स्कूल में बच्चों को बैग दे दिया या बुक्स आदि को आपने डोनेट कर दिया, तब आप सेक्शन 80G में क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज डोनेशन इन काइंड इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों मेरी यह एडवाइस है कि कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे आपको कभी इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी सारी वीडियो सेक्शन 80G से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।